राजनीतिक विज्ञान मानवीय तत्व का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान मानवीय तत्व का अध्ययन, कोई भी अध्ययन मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। उसमें मानवीय पुट तो हर चीज में रहता ही है, और इसलिए जरूरी है कि हम माने कि बिना मानवीय तत्व के अध्ययन के अपूर्ण। राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य यही कि ये संस्थाएं मानव जीवन में उसको निरंतर प्रभावित करती हैं, इसीलिए हम राज्य और सरकार को पढ़ते हैं। लेकिन मानव तत्व की उपेक्षा कर मानव को केंद्र पे न रखकर, बल्कि उसकी उपेक्षा करके केवल राज्य और सरकार को ही राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन विषय मान लिया जाए, राजनीतिक विश्लेषण ऐसे परिस्थितियों में पूर्णतया औपचारिक, एक दिखाने के लिए स्थिर, मानो रुका हुआ, और उसके साथ ही साथ संस्थात्मक, मतलब संस्था ओरिएंटेड, संस्था की तरफ उसका संस्था मुखी हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा लगता है कि इस तरह का अध्ययन जो है वो अपूर्ण रहेगा। इसीलिए सामाजिक विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानव के परिप्रेक्ष्य में ही सरकार और राज्य का अध्ययन उचित माना जाएगा, उचित समझा जाना चाहिए। लास्की, प्रोफेसर हैरल्ड लास्की, बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्य और संबंधित मानव जीवन से है, राज्य और उस राज्य से जुड़े हुए मानव जीवन से संबंध। चाणक्य, जो भारत में राजनीति के गुरु माने जाते थे, आचार्य चाणक्य, उनके अनुसार तो राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की व्यवस्था और उनके पालन के उपायों पर विचार करती है। मतलब ऐसी व्यवस्था जो मनुष्यों की व्यवस्था और उनके पालन के उपायों पर विचार करे, और वो उपाय किसके जरिए आते हैं, सरकार के जरिए आती है, और किस मनुष्यों की, जो एक राज्य के अंदर हो। कुल मिलाकर चाणक्य मानव केंद्रित विषय मानते हैं राजनीति विज्ञान को, हैरल लास्की के जैसे। हरमन हेलर, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण राजनीति विज्ञान का, जो पूरा स्वरूप है, पूरा जो उसका कंटेंट मैटर है, उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही इसका पूरा कंटेंट होता है। यानी राजनीति विज्ञान के स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। मानव विषयक यानी फिर धुरी पर जहां तो केंद्र मिलाएगा। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित न्याय संगत परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित, आधुनिक दृष्टिकोण नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित न्याय संगत परिभाषा हम किसे माने, बेहतर परिभाषा किसे माने। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का एक अंग है, और इसके अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य और सरकार का अध्ययन। विश्वास है इस परिभाषा से, परंपरागत इस परिभाषा से आप थोड़ा सहमत होंगे, जिसमें हम राजनीति विज्ञान को
एक ऐसा विषय मानते हैं जिसके अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य और सरकार का से जुड़ा हुआ अन्य संगठनों के संबंधों का अध्ययन, इसे हम राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण में मान सकते हैं। बी, राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा संबंधी आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। अभी तक जो भी हम जिक्र करते आ रहे थे वो परंपरागत, अब हम बात करेंगे आधुनिक। आधुनिक दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण है जो उन विचारकों, दर्शन शास्त्रियों, दार्शनिकों में सन 1945 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पनपा, उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा दे सकते हैं। ये जो नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, इसने मात्र नज़रिया ही नहीं बदला विषय के प्रति, विषय को आमूल चूल एक नई दिशा दे दी, परिभाषा ही नहीं दी, इसका जो संबंध क्षेत्र है, इसका जो दायरा है, इसको भी बढ़ाया। आधुनिक दृष्टिकोण के उदय का कारण था परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष, नाराजगी। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए जो विचारक थे, उनका कहना था ये परिभाषा बड़ी संकुचित है, बड़ी सीमित है, न्याय संगत, तर्क संगत नहीं है। तो इसलिए एक तरीके से असंतोष और बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जो नवीन ज्ञान था, नया ज्ञान जो आया, नई जो अनुभूतियाँ आई, नई नई जो नूतन प्रवृत्तियाँ आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इन प्रवृत्तियों, ज्ञान, बुद्धि और साथ ही संकुचित परिभाषा के से असंतुष्ट लोगों के द्वारा ये नई परिभाषा, नया विषय क्षेत्र परिभाषित किया गया और इसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण। इस आधुनिक दृष्टिकोण में जो आधुनिक लेखक और विचारकों को परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिधि है, परंपरागत दृष्टिकोण का जो दायरा था, उससे इन्होंने अपने को बाहर निकाला, एक नए होराइजन में जाकर इन्होंने इसको परिभाषित किया, इसको समझने की कोशिश की और राजनीति विज्ञान के प्रति एक आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि निश्चित रूप से ये एक व्यापक सब्जेक्ट है, एक यथार्थवादी सब्जेक्ट है, विषय है और इसके साथ ही व्यावहारिक विषय है। तो ये यथार्थवादी, व्यावहारिक और यथार्थवादी, व्यावहारिक और उसके साथ ही साथ व्यापक दृष्टिकोण का असर राजनीति विज्ञान की मात्र परिभाषा में ही नहीं दिखता, बल्कि उसे विषय क्षेत्र में भी दिखता है। इस आधुनिक परिभाषा को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, आधुनिक उदारवादी और मार्क्सवादी। अब उदारवादी और मार्क्सवादी से क्या तात्पर्य है? लिबरल्स, जो परंपरा से, लीक से हटकर थोड़े स्वतंत्र विचारों का अनुपालन करते हैं वे, और मार्क्सवादी विचारधारा काल मार्क्स के विचारों से प्रभावित, तत्कालीन उन दिनों रूस में साम्यवाद का बहुत जोर था, तो साम्यवादी विचारधारा, काल मार्क्स की विचारधारा और उसी के साथ साथ चीन में भी 1949 में साम्यवाद आ चुका था, जब माओ ज़ेडोंग ने वहाँ की सत्ता को हटाकर साम्यवादी शासन स्थापित किया था, और रूस में तो 1917 में ही हो गया था। तो इस बढ़ती हुई मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा है उन धारणाओं के, ये मॉडर्न लिबरल्स और मार्क्सियन कंसेप्शंस इसे कह सकते हैं। इनके अनुसार हर समाज में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तरह तरह की विडंबनाएं आती हैं, तरह तरह की मान्यताएं, नई नई मान्यताएं और नई नई असमानताएं मौजूद रहती हैं। ये जो असमानताएं, नई मान्यताएं, विडंबनाएं
और उसके साथ ही समस्याएं आती हैं विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच, राजनीति वही है जो इनमें तालमेल बैठाने की कोशिश करती है। राजनीतिक विज्ञान इनमें तालमेल बैठाने का अध्ययन है। देखिए कितनी अलग परिभाषा। पूर्व में राजनीति का अर्थ लिया गया स्व का विकास। राजनीति हम बोलते हैं ना कि बड़ा राजनीति खेल रहा है, मतलब उसमें अपने विकास की बात हमेशा सर्वोच्च रहती है। यहाँ पर उदारवादियों ने इसे परिभाषित किया कि विभिन्न समुदायों के बीच, वर्गों के बीच आई हुई समस्याएं, आई हुई विडंबनाएं, आई हुई असमानताएं, उनमें तालमेल बैठाने का प्रयास ही राजनीति है। तो ये इसका साधन है राजनीति। राजनीति इसका जरिया है, सॉल्यूशन का जरिया है, प्रॉब्लम का नहीं। ये बदलते हुए नज़रिए का असर ही था कि राजनीति विज्ञान को पुनः परिभाषित करने की जरूरत पड़ी। इसमें मॉरिस डुवर्जर, एम डुवर्जर के अनुसार राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय, इसकी स्थापना हो गई। पॉलिटिक्स इज अ टूल विद द हेल्प ऑफ विच यू गवर्न, यू कंट्रोल द लॉज, द अरेंजमेंट्स एंड ऑफ कोर्स जस्टिस। तो इस प्रकार डुवर्जर इसे एक साधन मानते हैं। और मार्क्सवादियों का क्या कहना है, ये एक ऐसा विषय जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन करता है, उसका अध्ययन, राज्य का अध्ययन, जो राज्य में दो वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग दूसरा शासित वर्ग, तो शासक वर्ग द्वारा शासित वर्ग के दमन का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के विचारकों की, विद्वानों की सोच है। उनके अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार, जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है वे अपने अधिकारों का उपयोग अपनी सत्ता को और मजबूत करने और लाभ उठाने के लिए करते हैं। बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं कि सत्ता में रहने वाले लोग सत्ता का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, ऐसा मार्क्सवादियों का कहना है। विचारधारा या आधुनिक परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण रखने वालों में जो दूसरी श्रेणी है, उसमें एक तरीके से उस श्रेणी को हम कह सकते हैं व्यवहारवादी अवधारणाएं, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, व्यवहारवादी अवधारणाएं, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट। जैसा कि इस नाम से क्लियर है व्यवहारवादियों से कि राजनीतिक व्यवहार पर इनका बड़ा बल है। राजनीतिक व्यवहार से तात्पर्य है पॉलिटिकल बिहेवियर। कहा गया है कि राजनीतिक संस्थाओं का कानून अध्ययन ही काफी नहीं है, जानने के लिए और भी जरूरत बातें हैं, जैसे कि वास्तविक व्यवहार इनका क्या है, राजनीतिक दल, दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप्स, जनमत, मतदान आचरण, मतदान आचरण और सांस्कृतिक, राजनीति संस्कृति कैसी है, इस पर व्यवहारवादियों का बड़ा जोर है। यानी ये मानव के व्यवहार के पक्ष को प्राथमिकता देते हैं और ऐसा करते हुए ये राजनीतिक दलों के व्यवहार, दबाव गुटों के व्यवहार, जनमत के कारण और प्रकारण निवारण और ऐसी मतदान आदि पर व्यवहार, वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर, इस पर इनका बड़ा जोर रहता है।
आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इसका जो अध्ययन क्षेत्र था उसे निम्न रूप से परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। पहली बात, मानवीय क्रियाओं का बिंदु है वह विज्ञान जो मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवहार का। उसकी दायरा सीमा केवल यही है कि वह राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेगा, राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा उसके संदर्भ में मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य पहलुओं का अध्ययन करने वाला विषय, यह कहलाया राजनीतिक विज्ञान। ये किनकी दृष्टि में? आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक जीवन का अध्ययन और दूसरे मानव जीवन के दूसरे पहलुओं से उसका संबंध और उसका अध्ययन। डेविड ईस्टन, उनके अनुसार राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आबंटन से है। उनके अनुसार राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आबंटन से है। मूल्यों से उनका अर्थ है कि सुख सुविधाएं, वैल्यूज। मूल्यों से उनका अर्थ है सुख सुविधाएं, जैसे वैल्यूज, लाभकारी पद। और आबंटन का मतलब है कि उनका बंटवारा, ये लाभकारी पद, सुख सुविधाओं का बंटवारा। और आधिकारिक आबंटन कहते हैं तो आधिकारिक से अर्थ है सत्ता, राज सत्ता का उपयोग करने वाली शक्ति के निर्णय। संक्षिप्त में, राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आबंटन से है। इसमें मूल्यों का अर्थ है वे सुविधाएं, वे सुख सुविधाएं, वे लाभकारी पद। आबंटन से अर्थ है बंटवारा, विभाजन, बांटना, देना। और आधिकारिक का अर्थ है राजसत्ता का उपयोग करने वाली शक्ति, जो सभी के लिए मान्य हो, अर्थात उनके द्वारा लिए गए निर्णय अधिकाधिक होते हैं, वह लोगों से आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखते हैं। आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखने वालों द्वारा अपनी कुछ शक्ति का आवंटन आधिकारिक स्तर पर होता है, यही राजनीति विज्ञान के दायरे में आता है। तो मूल्यों का आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु या अगली परिभाषा, उसके अनुसार किसी ने कहा है कि ये निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णयों के पीछे कुछ राजनीति रहती है, कुछ कारण होते हैं, उस बंटवारे के कुछ कारण होते हैं, उस शक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कारण होते हैं। तो इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का दायरा है। आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण का भी दायरा मानते हैं। निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण, ये दोनों से इसका गहन संबंध है राजनीति विज्ञान का। ऐसा आधुनिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए आधुनिक व्यवहारवादी अवधारणाएं रखने वाले लोगों का कहना। हर्बर्ट साइमन, उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान ये सिखाता है कि एक प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार उनके अनुसार, हर्बर्ट साइमन के अनुसार,
राजनीति विज्ञान मूल रूप से निर्णय निर्माण का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का जो विश्लेषण अभी हमने किया, जिक्र किया, बताया आपको, ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं लगता, कहीं इसमें कुछ कमी लगती है। समय सापेक्ष, समय के साथ साथ राजनीति विज्ञान की परिभाषा भी बदलती रही। इस विषय के अध्ययन के प्रति जैसा दृष्टिकोण, वैसा ही परिभाषाओं में परिवर्तन। तो यदि विश्व युद्ध के पूर्व जो दृष्टिकोण था, उसी दृष्टिकोण की परिभाषाएं भी आई, और अब बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते दृष्टिकोण में, नए परिप्रेक्ष्य में, नए वातावरण में, अब इसकी परिभाषाएं थोड़ी बदलने लगी। राजनीति विज्ञान की परिभाषा संबंधी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में जो समन्वय है, ये बहुत आवश्यक हो गया। परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं में या परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित विचारकों और आधुनिक दृष्टिकोण संबंधी विचारकों में समन्वय स्थापित करते हुए उसका प्रयास चल ही रहा था कि इन दोनों विचारधाराओं में कैसे सामंजस्य लाया जाए, कैसे इनकी जो दूरियां हैं इसको कम किया जाए, विषय क्षेत्र और परिभाषा संबंधी। तो उसमें पिनॉक और स्मिथ, जो बहुत प्रसिद्ध आधुनिक विचारधारा के राजनीतिक विज्ञान शास्त्री कहा जा सकता है, उन्होंने एक अलग परिभाषा दी। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारणा अपने अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा इनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी या इंक्लूसिव कह सकते हैं, ऐसा विषय कहा जा सकता है। सर्वाधिक इंक्लूसिव, सर्वाधिक अंतर्भावी विषय। तो इस तरीके से पिनॉक स्मिथ ने इसे एक अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में एक तरीके का सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया है। संक्षेप में, राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम एक ऐसे विज्ञान के रूप में कर सकते हैं जिसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, शक्ति, निर्णय प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था आदि से संबंधित मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करते हुए देखता है कि वह उसके जीवन के सभी पहलुओं को तथा अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू को किस तरह प्रभावित करते हैं, अन्य पहलू उसके राजनीतिक पक्ष को और राजनीतिक पहलू उसके अन्य पक्ष को किस तरह प्रभावित करते हैं। ये सब क्रियाएं करते हुए कौन सी, मूलतः राजनीतिक क्रियाएं, जिसमें उसने कहा है राज्य, सरकार और आदि आदि, नैतिक संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं आदि आदि। तो इस प्रकार ये एक बड़ी विस्तृत परिभाषा हमारे सामने है, और इतनी सारी जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से परिभाषित किया है, हम समझ सकते हैं कि ये एक परिभाषा सही बैठती है।